नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं आने कारण हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों ने मुक्त व्यापार समझौते से सरकार के पीछे हटने को बताया जीत। विपक्ष ने भी किया केंद्र के फैसले का स्वागत। चीन समेत 15 देशों के साथ होना था मुक्त व्यापार समझौता। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने का विरोध। बठिंडा से लेकर जिन तक किसानों का प्रदर्शन सरकार पर लगाया, अदालत को गुमराह करने का आरोप। यूपी के आजमगढ़ में किसानों की महापंचायत। जमीन के मुआवजा की सही जानकारी देने की मांग। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए ली जा रही है जमीन। बेमौसम बारिश से फसलें खराब होने से उछले प्याज के दाम। दिल्ली एनसीआर में 80 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। आयात बढ़ाकर प्याज की कीमत घटाने की कोशिश। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौता ना करने के मोदी सरकार के फैसले का विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने स्वागत किया है। किसानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी AIKSCC के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने इसे किसानों के संघर्ष की जीत बताया। वहीं विपक्षी दलों के साथ सरकार में शामिल सहयोगी दलों ने भी सरकार के फैसले को सही बताया है। आरसीईपी मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ किसान संगठन जहां लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं विपक्षी दलों ने भी सड़क से संसद तक सरकार को घेरने का ऐलान किया था। चीन की भागीदारी वाले इस 16 सदस्यीय मुक्त व्यापार समझौते के तहत 80 से 90% वस्तुओं को टैरिफ मुक्त किया जाना था। इससे भारत में सस्ते कृषि उत्पादों खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात बढ़ जाने की आशंका थी। मैं स्वागत करता हूं इसका। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। तमाम किसान संगठन, तमाम छोटे मझोले किसान सबको डरावने ख्वाब आ रहे थे। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में वापस नहीं जा सकते। हम एक ऐसी आर्थिक गुलामी में अपने को अलाउ नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि जो विपक्ष और किसान संगठनों ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने उसके मद्देनज़र आरसीईपी के मौजूदा स्ट्रक्चर संरचना को मानने से इनकार किया। ये भारत के आर्थिक हितों के समर्थन में नहीं है, ये भारत के किसानों के भी पक्ष में नहीं है। भारत के दूध उत्पादकों को बड़ी हानि का मुकाबला करना पड़ेगा। हम चाहते हैं इसको टाला जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इसे किसानों की एकता की जीत बताया है। किसानों की जीत हैशटैग के साथ उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाजपा सरकार पूरे गाजे बाजे के साथ आरसेप समझौते किसान सत्यानाश समझौता के जरिए भारत के किसानों के हित कुचलकर भारत के राष्ट्रीय हित को विदेशी देशों के हवाले करने जा रही थी। देश के किसानों ने पूरी एकता के साथ इसका विरोध किया और साफ संदेश दिया कि उनकी मेहनत को विदेशी कंपनियों के फायदे की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। भाजपा सरकार को आज रासेप समझौते यानी आरसीपी समझौते पर अपना निर्णय रोकना पड़ा है। किसानों बहनों भाइयों को बधाई। लेकिन आरसीईपी का विरोध करने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अब यूटर्न ले लिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आरसीईपी में शामिल नहीं होने के बड़े एवं साहसी फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। यह समझौता हमारे आर्थिक हितों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के खिलाफ था। मोदी है तो मुमकिन है, ये फैसला मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। हालांकि दो दिन पहले उन्होंने इस समझौते का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा था। ट्विटर पर पीयूष गोयल ने लिखा था, सोनिया गांधी आरसीईपी और एफटीए को लेकर अचानक जाग गई। वो तब कहाँ थी जब उनकी सरकार ने अपने 74% बाजार को आसियान के लिए खोल दिया था, लेकिन संपन्न देश इंडोनेशिया ने भारत के लिए 50% बाजार ही खोला था। वो अमीर देशों को भारी छूट देने के खिलाफ क्यों नहीं बोली थी?
केंद्रीय मंत्री का पीयूष गोयल का जो भी बयान हो, लेकिन केंद्र सरकार इस समझौते से जुड़ी बातचीत में लगातार शामिल रही है। दरअसल भारत सरकार इस समझौते के 21 बिंदुओं पर सहमत थी, लेकिन 5 बिंदुओं पर सदस्य देशों के साथ मतभेद बना हुआ था। इसमें टैरिफ कटौती के लिए भारत 2019 को बेस ईयर मानने के पक्ष में था, जबकि बाकी देश 2013 को बेस ईयर बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा मतभेद आयात में अचानक आने वाले उछाल को रोकने की ऑटोमेटिक व्यवस्था लाने पर था। भारत का पक्ष है कि जैसे ही किसी देश के साथ आयात एक तय सीमा से ज्यादा होता है, उस पर ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म यानी खुद ब खुद रोक लगाने वाली व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बात करें तीसरे बिंदु की तो रैचेट ऑब्लिगेशन, जिसमें किसी उत्पाद को टैरिफ से बाहर करने के बाद उस पर दोबारा टैरिफ लगाना संभव नहीं होता है, भारत इसके पक्ष में नहीं है। बात करें चौथे मतभेद की तो उत्पादों के कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर है। फर्ज कीजिए कि चीन के किसी उत्पाद पर भारत ने हाई टैरिफ रखा है, मगर वियतनाम के लिए वो टैरिफ कम है, तो चीन वहां से उस सामान का निर्यात कर सकता है, वहां से उसे सोर्स कर सकता है, रूट कर सकता है। ऐसे में सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का टैग जरूरी है। और पांचवा बिंदु सुरक्षा के लिए डेटा सिक्योरिटी यानी सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा है। इस पर भारत ने आपत्ति जताई और अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए बाकी के 15 देशों के दबाव के सामने नहीं झुका। हालांकि भारत को छोड़कर बाकी 15 देशों ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, लेकिन इन देशों ने भारत के इसमें शामिल होने के दरवाजे अभी खुले रखे हैं। और इन्हीं सब बिंदुओं पर और ज्यादा तफसील से जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ट्रेड एक्सपर्ट अफसर जाफरी। आरसीपी पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। बैंकॉक आरसीपी समिट में शिरकत करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जी का तलिस्मा और उनके अपने विवेक ने उन्हें आरसीपी समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी। आइए समझते हैं कि जो ये 5 मतभेद के बिंदु हैं उनका आखिर क्या मतलब है। जाफरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि जितनी उम्मीदें लगी हुई थी आरसीपी को लेकर, और एक दिन पहले तक पीयूष गोयल ने सोनिया गांधी पर वार भी किया, ट्वीट किया कि किस तरह से वो अचानक आखिरी वक्त पर जागी हैं आरसीपी को लेकर, तो अब ये आखिरी समय में जो ये यू टर्न आया है, इसको ज़रा समझाएं कि ये किस वजह से हुआ। देखिए, ये यू टर्न की उम्मीद कहीं ना कहीं हम सबको थी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का एक विरोध हो रहा था, जिस तरीके से हर सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर हमको दिख रहा नहीं जो जिसने इसका विरोध नहीं किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे वो एग्रीकल्चर में हो जी, तो ये उम्मीद थी हम लोग को कि हो सकता है सरकार कुछ कम से कम अभी तो समझौता नहीं करेगी, इतना था। और इसीलिए एक जो इवन 4 तारीख को जिस दिन ये समझौता में होना था, उस दिन भी पूरे देश में जो है वो किसान जो है रोड पे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो भी है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, और मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो डेलीगेशन बैंकॉक में था उन सबको कि उन्होंने लास्ट मिनट में उसने एक बहुत सही फैसला लिया है, और हम सभी किसानों को भी बधाई देते हैं। जी अफसर जी, ये बताएं और ये समझाएं कि जो बाकी के 15 देश हैं उनका कहना है कि वो जो ये 5 शर्तें हैं जिस पर भारत डिगा नहीं और अपना पक्ष मजबूती से रखा, जो 5 मतभेद के जो बिंदु हैं उस पर बाकी के देश तो उनकी अपनी शर्तें हैं उस पर वो आगे बढ़ गए, और भारत को भी उन बिंदुओं पर मनाने की कोशिश में वो प्रयासरत रहेंगे, तो इसको किस तरह से समझा जाए? क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जो ये 5 बिंदु रहे, जो मतभेद के जो के मुख्य बिंदु रहे, उन पर भारत भविष्य में हामी भर सकता है? देखिए, ये 5 बिंदु तो जो सरकार ने या जो न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये कंटेंशियस पॉइंट थे जिसके ऊपर एक सहमति नहीं बन पाई है जी। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल, तो ऑलरेडी जो 16 देश हैं भारत के जो 7-15 देश निगोशिएट कर रहे थे ये आरसेप, इसमें 3
देश या देश के समूह जिसमें आसियान, साउथ कोरिया और जापान के साथ हिंदुस्तान का एक एफटीए ऑलरेडी है, तीन वो देश है जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ एक एफटीए हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे आगे है और फिर चाइना है। तो ये ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन जहां तक इन मतभेद वाले बिंदुओं का सवाल है, हमको लगता है कि कुछ एक इशू चाहिए था भारत को भी कि उसको जब निकलना है उससे तो आप कुछ तो बताएंगे उनको कि हमको इन बिंदुओं पर सहमति नहीं हुई है। लेकिन हमको लगता है कि किसान का विरोध इसमें बहुत काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिसमें हमको लगता है कि जिसने काम किया होगा। लेकिन ये जो पांच बिंदु है, अगर आप इसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इसमें सच पूछिए तो 2019 और 2014 जो बेस पीरियड माना जा रहा है, तो उसमें 2014-19 में सिर्फ इतना ही फर्क है कि 14 में हिंदुस्तान का जो टैरिफ था वो बहुत कम था दूसरे सभी चीजों पे। अगर आपको ध्यान होगा तो मार्च 2018 में हमारे जो टैरिफ है वो सरकार ने काफी चीजों पे बढ़ा दिया था जी। तो हमने यही कहा है सरकार से, हम लोग यही कह रहे थे कि अगर आप जो है वो एक साल पहले आपने सभी टैरिफ अपने जो है वो बढ़ा दिए हैं, सब ड्यूटी बढ़ा दी है, और एक साल के बाद उसको होलसेल कर सबके ऊपर खोलने जा रहे हैं, ये कैसा राजनीति है, किस तरह का ये कूटनीति है, हमको नहीं समझ में आई। तो ये जो बेस पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार के लिए को लगा कि मतलब इसको हम 19 रखेंगे तो हमारा टैरिफ कम होगा। लेकिन जहां तक जो एफटीए पार्टनर है उनसे तो 90% टैरिफ हमारा जीरो होने वाला था। नॉन एफटीए पार्टनर के लिए 74% टैरिफ लाइंस में जितने भी जो छोटे जितने भी टैरिफ लाइंस, मतलब कि जैसे अगर चावल आप ले रहे हैं तो चावल, चावल का चूड़ा, चावल का जो है वो आटा, ये अलग अलग टैरिफ लाइन हो जाती है। तो उन सबके ऊपर 74% ऐसे आइटम है हमारे जिनके ऊपर जीरो होने वाला था टैरिफ लाइन जी। तो ये एक मतलब बहुत, हमको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक कंटेशियस पॉइंट होगा। ये बताएं कि जो चाइना और यूएस ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या उसका भी असर देखने को मिला है इस आरसीपी में जो हस्ताक्षर नहीं किए गए, कहीं ना कहीं उसका भी असर? हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है यूएस का इसमें, क्योंकि यूएस जो है अभी आप देखिए ऑलरेडी चाइना और यूएस के साथ चल रहा है, दोनों ने अपने टैरिफ काफी बढ़ा दिए हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है ना चाइना के लिए, चाइना का तो ऑलरेडी मार्केट ही है, हम लोग ड्यूटी दे के हमारे यहाँ चाइना का हर सामान आ रहा है, हम करीब करीब $56 बिलियन के डिफिसिट में है जी। लेकिन यूएसए के साथ जो अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी यूएसए गए हुए थे, सितंबर में ऑलमोस्ट हमने एक एफटीए साइन कर दिया था, लेकिन यूएसए की डिमांड मार्केट एक्सेस में इतनी ज्यादा थी, वो हर चीज में चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के मार्केट में घुसे, तो उस समय एक तरह का एक पॉज लगा है उसके ऊपर और हमने अभी साइन नहीं किया। लेकिन ये कहना कि हम साइन नहीं करेंगे, जिस तरह आरसेप पे हम बाहर आ गए हैं, हमको अभी नहीं लगता है। हमको लगता है कि यूएस चाह रहा है कि हिंदुस्तान के साथ साइन करे, और यूएस नहीं चाहता था कि वो इंडिया चाइना के खेमे में चला जाए जी। और इसीलिए ये जो पूरा हमको लगता है आरसेप के और आरसेप में बैकआउट करने में इंडिया को यूएस ने कहीं ना कहीं अपना ये गेम खेला जी। बहुत बहुत शुक्रिया अफसर जाफरी साहब, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है। तो फिलहाल आरसेप को लेकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पॉज बटन है या फुल स्टॉप है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए नियमों में ढील देने की भी मांग उठाई है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार बीमा कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाए ताकि किसानों के लिए फसल बीमा नियमों में ढील दी जा सके और उनकी अधिकतम मदद उनको मिल सके। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल ये बैठक तय करने को कहा है। दरअसल पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों का प्राकृतिक आपदा से बीमा कवर दिया जाता है, लेकिन धान, गन्ना और जूट जैसी हाइड्रोफिलिक क्रॉप्स यानी पानी में उगने वाली फसलों को सैलाब से हुए नुकसान को क्लेम के दायरे से बाहर रखा गया है।
और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से फोन लाइन पर मौजूद हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट पुरुषोत्तम गवाड़े जी। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि जो फसल बीमा का जो फायदा है वो किसानों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, फडणवीस सरकार ये अब कोशिश में लगी है, लेकिन ये बताइए कि जब इन्हीं की अपनी सरकार थी और इतने दिनों से किसान वहां बेहाल है, तो उन्होंने यही समय क्यों चुना? इससे पहले किसानों को राहत क्यों नहीं मिली? किसानों को राहत जो मिलनी चाहिए थी उस पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए मैडम, किसानों के लिए अभी जो बेमौसम बरसात हुई है पिछले सप्ताह में, उससे बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है किसानों का जी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 10,000 करोड़ की घोषणा की है। अब ये 10,000 करोड़ की जो रकम है ये बहुत ही कम है, ऐसा उनके जो साथी है शिवसेना उन्होंने भी कहा है जी। और इसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में किसानों की तादाद है 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ किसानों में अगर 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 10,000 करोड़ बांटना है तो पर एकड़ पर किसान 6,000 रुपए आ रहा है, और इनका पर एकड़ अगर हमने ये किया अनुमान लगाया तो वो 2,000 से ऊपर एक पर एकड़ नहीं होगा, और नुकसान जो हुआ है वो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए पर एकड़ का नुकसान हुआ है। और इस तरीके से अगर सोचा जाए तो इट इज नॉट मोर देन इवन 10% ऑफ द टोटल लॉस। यानी कि ये रकम नाकाफी है, ये तो बात सही है। इसके अलावा बीमा नियमों में बदलाव की भी मांग की है फडणवीस सरकार ने, और उन्होंने जिस तरह से हम देखते हैं कि बीमा नियमों की जो शर्तें अगर आप उन्हें देखें, जैसे हाइड्रोफिलिक क्रॉप्स के मामले में जो फसलें पानी में ही उगती हैं वो अगर सैलाब में डूब जाएं तो उनका बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, तो जो जिस तरह की ये शर्तें हैं उन पर आप क्या कहेंगे? कितनी सख्त जरूरत है बदलाव की? उन शर्तों को भी बदलना जरूरी है, और स्पेसिफिकली इसमें एक बात सोचना जरूरी है कि जब हम लॉस का अनुमान लगाते हैं तो वो लॉस जिसका होता है वो तो इंडिविजुअल फार्मर होता है, इंडिविजुअल किसान होता है जी। लेकिन इसके लिए जो एरिया या सैंपल चुना जाता है नुकसान आंकने के लिए वो होता है मंडल का। तो फिर मंडल का अगर विचार किया जाए तो इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट जो भर रहा है उसका तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा ना उसके नुकसान का जी। ये इसमें से बहुत बड़ी जो खामी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है जी। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2672। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिलों में किसानों ने राजिम अनाज मंडी से रायपुर तक पदयात्रा शुरू की। इसकी अगुवाई अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा कर रही है। ये किसान फसलों के नुकसान का तत्काल मुआवजा दिलाने, राइस मिलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फंसे पैसों का भुगतान किए जाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों की सारी समस्याएं सुनने और उन्हें निपटाने का भरोसा दिया है। तो राजीव मंडी में
महासमुंद मंडी में, बागबाहरा मंडी में, कवर्धा मंडी में जो किसानों ने जो अपना उपज जो बेचे थे उन किसानों को उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो चूंकि ये किसान मंडी में अपना उपज बेचे हैं इसलिए हम चाहते हैं कि मंडी निधि से उनको भुगतान किया जाए। हमारी प्राथमिकता किसान है और किसान के पैसे मिलने चाहिए। राजिम की भी घटना की मुझे जानकारी मिली है, मैंने वहाँ भी कलेक्टर से कहा हुआ है कि राइस मिलर्स को सील कर दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी में से किसानों के भुगतान किया जाए। उसके बावजूद भी किसान मांग करने के लिए रायपुर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी मांगों की सुनवाई होगी। ऑलरेडी हमने उस संबंध में कलेक्टर को निर्देश पहले से दे दिया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में किसानों ने जमीन का मुआवजा तय करने में भेदभाव लगाते हुए महापंचायत की। यहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए तकरीबन 39 गांव में किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि अधिकारी मुआवजा तय करने में भेदभाव कर रहे हैं। किसानों ने इससे पहले 16 दिन तक भूख हड़ताल की थी, लेकिन तब उनसे मुआवजे की सही जानकारी देने का वादा किया गया था। हालांकि किसानों का आरोप है कि उन्हें अब तक सर्किल रेट के हिसाब से उचित मुआवजे का प्रस्ताव नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मुआवजे की सही जानकारी नहीं मिलती है वो जमीन देने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सारे लोग जाकर के गांव में हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं कुछ रेट बताते हैं, कुछ लेखपाल कहते हैं कि हम अलग से दिलवा देंगे। ये सब अफवाह फैलाकर भोले भाले किसानों को गुमराह करके और जमीन अपने औने पौने दाम में लेना चाहते हैं। जब तक हमारा उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक न हम सहमति पत्र पे दस्तखत करेंगे न अपनी जमीन रजिस्ट्री करेंगे। यही जो है अपने किसान भाइयों को बताया जा रहा बुला करके। सुप्रीम कोर्ट ने धान की पराली जलाने को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है। इतना ही नहीं, अदालत ने कहा कि खतरनाक प्रदूषण की वजह से हर साल दिल्ली एनसीआर का दम घुटता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभ्य देश में ऐसा नहीं हो सकता। पराली जलाने वाले किसानों के प्रति उसे कोई सहानुभूति नहीं है क्योंकि वो दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में सौंपे अपने हलफनामे में दिल्ली एनसीआर में 46% प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में घातक प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाने पर अड़े हुए हैं। बठिंडा में किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पराली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये किसान पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के किसान पराली ना जलाने के लिए सरकार से प्रति एकड़ 3,000 रुपए देने की मांग कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया है और केंद्र सरकार पर किसानों को मुआवजा देने की मांग पर फैसला करने में देरी का आरोप लगाया है। हरियाणा के जिन जिले में भी किसानों ने पराली जलाने पर मामले दर्ज करने का विरोध किया, भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने प्रशासन पर झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। किसानों ने सरकार पर पराली जलाने से प्रदूषण फैलने के बारे में अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसानों ने पराली जलाने को लेकर दर्ज मामले वापस नहीं लिए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर इससे प्रदूषण मान रहे हैं हो रहा है तो सरकार का भी नैतिकता बनती है, दायित्व बनता है, वो हमें संसाधन दे। जब 4-5 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आता है उसका तो सरकार हमें अनुदान दे। हम नहीं जलाएंगे, हम एक दिन का भी धान का नहीं जलाएंगे ना, हम जला कर राजी हैं। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि वो मुकदमे सारे निरस्त किए जाए। इस बीच नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लगने के बाद बेरोजगार हुए मजदूरों को मुआवजा देने की सिफारिश की है। मंगलवार को एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि निर्माण मजदूरों के कानून के तहत बहुत सा पैसा पड़ा है, क्या इसमें से कुछ पैसा निर्माण रुकने पर मजदूरों पर खर्च किया जा सकता है। एनजीटी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हर गांव में 15 दिन तक पराली ना जलाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत बताई। पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त से सख्त टिप्पणी आ रही है। इन सबके बीच हरियाणा के रोहतक जिले में किसानों के लिए पराली
कमाई का जरिया बन रही है। देखिए कैसे। और ये देखो कैसा कैसा है धुआं, हमारे तो यहाँ सूरज निकले भी किरा कई दिनों के। इस शिकायत के पीछे कोहरा नहीं बल्कि हवा में घुली धुंध है, जिसके लिए पराली जलाने को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रोहतक के किसान पराली को जलाने के बजाय इससे कमाई कर रहे हैं। अब हमने प्रण लिया कि पराली नहीं जलावाएंगे, अब तो हमारी पराली पिकने भी लग गई है, जिससे जमींदार को 2-3 हज़ार रुपये किलो के लिए फायदा हो गया। जितनी भी होगी कोशिश ये करें ना जलावें और हमारी बिक्री में आ जाए, दुआने बनते रहेंगे। तो इससे फायदा हुआ अब की बार? हाँ जी, ये फायदा होया है। मजदूरों का भी फायदा है और किसानों का भी फायदा है। धान की पराली मवेशियों के लिए बेहतर चारा तो है ही, इसका पैकेजिंग से लेकर गत्ता उद्योग तक में इस्तेमाल हो रहा है। इसी खूबी को पहचानते हुए रोहतक के कुछ व्यापारी आगे आए हैं और वो किसानों से धान की पराली खरीद रहे हैं। पराली खरीदने से किसानों को पैसा मिल जाए और मजदूरों मजदूरी मिल जाए, हमारा व्यापार चल जाए। और यहाँ कोई किसान पराली नहीं जला रहा, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। हम पराली खेतों से किसान पराली, हम ये कहते हैं कि किसान पराली ना जलाए, जो कि हमारे को बता दे और हम खेत से पराली उठा लाएंगे। दूसरे जिलों की तरह रोहतक में भी पराली जलाने पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। अधिकारी भी किसानों से पराली ना जलाने की अपील कर रहे हैं। पराली जलाता है तो इसके लिए कानूनी और पिनल प्रोविजन भी है, प्रावधान भी है, जिसमें उनको जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है, FIR भी दर्ज हो सकती है। तो मैं जिला के सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि वो पराली ना जलाए। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा जहरीली होने के पीछे पराली जलाना भले ही एक वजह ना हो, फिर भी पराली को लेकर रोहतक के किसानों और व्यापारियों की पहल दूसरे इलाकों और किसानों के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। हरियाणा के रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।